नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रेयस वर्धन और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल नंदीप ट्यूटोरियल्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इवन ऑड प्राइम ट्विन प्राइम को प्राइम कंपोजिट नंबर। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हम इसी कुछ नंबर के बेस पे चर्चा किया था, मगर वो जरा अगला डिफरेंट लेसन था। उसमें हम पढ़े हुए थे कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, ऐसे नंबर इवन, शायद इवन और भी पढ़े होंगे, याद नहीं आ रहा इतना। चलो तो आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलो तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट वन जो है वो क्या है, इवन नंबर। कौन सा दोस्तों? इवन नंबर। दोस्तों इवन नंबर में क्या होता है, जो नंबर जिनके आखिर में लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8। दोस्तों जिनके लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक हो, उनको सीधे सीधे कह देने का इवन नंबर। दोस्तों अगला नंबर है यहाँ पे ऑड नंबर। या दोस्तों कौन सा नंबर? ऑड नंबर। सो ऑड नंबर यानी कि लास्ट डिजिट, यहाँ पे बचा हुआ जो बाकी के जो बचे हुए वो आएंगे। लास्ट डिजिट क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 0 के बाद आता है 1, 2 के बाद आता है 3, 3 के 4 के बाद आता है 5, 6 के बाद आता है 7, 8 के बाद आता है 9। जिनके आखिर में दोस्तों ये जो नंबर से होंगे उनको क्या कहा जाता है? ऑड नंबर। इसका भी कंसेप्ट क्लियर। अगला है प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम? प्राइम नंबर क्या है दोस्तों? जो डिविजिबल होता है 1 से और नंबर इटसेल्फ। दोस्तों जो खुद से और 1 से जो डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। अगर हम 1 लेंगे तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट। हम पढ़ेंगे आगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1 के बताते हैं 2। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 के डबल में आता ही है और 2 के भी। ओके सो आगे 3। 3 भी है क्योंकि 1 के आता है, 3 के आता है और इन दोनों के अलावा कोई भी टेबल में नहीं। अगला नंबर है 4। तो दोस्तों आप देख सकते हो 4 जो है नंबर है, ये 4 जो है नंबर है वो किसके? 1 के आता है, 2 के आता है और 4 के। तो 1 के और 4 के आता है, आना ही चाहिए, मगर 2 के भी आता है, इसीलिए ये प्राइम नंबर जो है वो नहीं हो सकता। ओके दोस्तों तो यहाँ पे हम आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, 1 to 100 में टोटल 25 ही प्राइम नंबर है। जी हाँ दोस्तों, 1 to 100 में कितने? 25 प्राइम नंबर से। ओके सो कंपोजिट नंबर क्या आएगा दोस्तों? कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्या? बहुत ही आसान है, एक्सपेक्टेड प्राइम नंबर्स। यानी कि प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर्स आएंगे उनको क्या कहा जाएगा दोस्तों? कंपोजिट नंबर। सो गाइस यहाँ पे कंपोजिट नंबर आपको लग रहा होगा अभी 25 गए यानी कि 75 बच गए, लेकिन 75 नहीं है, यहाँ पे 74 प्राइम नंबर्स टोटल कुल मिला के। ओके दोस्तों तो 74 यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, सॉरी यहाँ पे मैं प्राइम नंबर बोला गलती से, कंपोजिट नंबर 74 जो है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, यानी कि कंपोजिट नंबर एक्सपेक्टेड प्राइम नंबर्स, यानी कि जो प्राइम नंबर को छोड़ के वो कंपोजिट नंबर है। हमने आपको अभी बताया, लेकिन दोस्तों आप कहोगे ये और ये मिले के कुल 99 होते हैं, दो नंबर कहाँ, एक नंबर कहाँ गया? यहाँ पे आप देख सकते हो जो नंबर 1 है जो सबसे पहले आता है ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर ऐसा है जो प्राइम भी नहीं है और क्या कंपोजिट भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये लिखा है, मैं इसको फटक से रफ कर देता हूँ और आगे के जो नंबर है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे।
आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है श्विन प्राइम नंबर। ओके, और फिर को प्राइम नंबर। ओके दोस्तों, तो ये दो है। तो दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर क्या कहता है, अभी आप तो प्राइम नंबर पढ़ ही चुके होंगे। ओके, सो ट्विन प्राइम नंबर क्या कहता है कि प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स के बीच में एक का डिफरेंस हो, यानी कि ऐसे तीन नंबर्स, लगातार तीन नंबर जिनके बीच में इसे इसका डिफरेंस हो। ओके, सो ऐसे प्राइम नंबर्स को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। यानी कि मैं आपके लिए उदाहरण के लिए बता देता हूँ, 3 और 5। ओके, एक जोड़ी है, यानी कि इसके बीच में से 4 है, यानी कि एक ही नंबर है। अगला 5 और 7 है, अगला 7 और 11 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसके बीच में 8, 9, 10 तीन तीन नंबर है। अगले आगे आएगा 11 एंड 13, 11, 13। अगला आएगा 17, 19। ऐसे करते कुल मिला के यहाँ पे कितनी जोड़ी है, कितने पेयर से, 8 पेयर। हाउ मच गाइस, यहाँ पे है आपके कितने दोस्तों, 8 पेयर से। तो आगे को प्राइम नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे को प्राइम नंबर क्या है, कोई भी बीच में से आप दो नंबर उठा लो उनको को प्राइम कह रहे हैं, यानी कि 24, 36 ये को प्राइम है। ओके, आगे 54, 25 ये भी को प्राइम है। तो दोस्तों ये होता है को प्राइम, ये होता है ट्विन प्राइम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो डिटेल था इस लेसन का, इवन और प्राइम, ट्विन प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज देखने के लिए, इस एक्सरसाइज का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, और नीचे जाके हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और जब तक अगला वीडियो आता है तब तक के लिए जय हिंद।